एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया हंगामा, जमकर की पत्थरबाजी, बंद करवा दी हनुमान चालीसा, हिंदू समुदाय दिखा मजबूर। हिंदू मुस्लिम समुदाय एक बार फिर आमने सामने है, दोनों के बीच तकरार की स्थिति बनी हुई है। पूरा मामला गुजरात से सामने आ रहा है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया है। गुजरात के वडोदरा के अजवा रोड स्थित एकता नगर में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वहां एक हनुमान मंदिर में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चल रही थी, जिसे सुन मुस्लिम भीड़ विरोध करने आ गई और देखते ही देखते वहां पथराव होने लगा। फिलहाल इस पत्थरबाजी मामले में केस दर्ज है और आगे की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार 13 मार्च 2024 शाम करीब 7:30 बजे अजवा रोड पर एकता नगर स्थित मंदिर पर रोज की तरह हनुमान चालीसा बज रही थी। इसी बीच मुस्लिमों की भीड़ वहां पहुंची। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर मारपीट हुई और बाद में पथराव होने लगा। इस दौरान वहां 25 से 30 लोग की एक भीड़ जमा हो गई। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि हनुमान चालीसा को बंद कराने के लिए मुस्लिम भीड़ ने सारा हंगामा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले मंदिर में हरीश सारनिया और दीपक सारनिया नाम के 2 युवक मौजूद थे। उनके पास पहले राहिल शेख और अन्य दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोग आए और उनसे भिड़ बैठे। इसके बाद मारपीट हुई, फिर पथराव होने लगा। मुस्लिम भीड़ ने इस दौरान मंदिर में उपद्रव किया और वहां लगे लाउडस्पीकर भी तोड़ दिए। मारपीट में दीपक, हरीश और राहिल घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। FIR के बाद 3 आरोपित गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 5 मुस्लिम और 2 हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में राहिल शेख, आसिफ शेख, सिजान अंसारी, हुसैन लतीफ, दीपक और हरीश सारनिया का नाम शामिल है। घटना के संबंध में बड़ोदरा के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनोज निनामा ने कहा, एकता नगर एक हिंदू मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, यहाँ माइक बजाने को लेकर पहले बहस हुई और फिर वह बहस मारपीट में बदल गई। इस संबंध में बापोर थाने में कार्रवाई चल रही है। 3 घायलों का इलाज हो रहा है, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं है और उनकी हालत में भी सुधार है। घायलों में 2 हिंदू और 1 मुस्लिम शामिल है। फिलहाल इलाके में अब शांति की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने आगे बताया कि मामले की जांच वीडियो फुटेज, गवाहों और विभिन्न स्थानों पर मौजूद अन्य सबूतों के आधार पर किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने भी आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। बता दें कि गुजरात से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां हिंदुओं को निशाने पर लिया जाता है। हाल ही में महसाना के खेरालू में भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान DJ विवाद को लेकर पत्थर फेंके गए थे। मामले में 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस की सुरक्षा के बाद इस शोभा यात्रा को पूरा किया गया। विधायक सरदार चौधरी ने बताया कि हाटडिया इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान राम की शोभा यात्रा पर पथराव किया। जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना हाटडिया मस्जिद के पास हुई थी, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे थे। 15 उपद्रवियों को किया गया था गिरफ्तार। इस मामले में 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। हाटडिया मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस की सुरक्षा के बीच बाद में इस शोभा यात्रा को पूरा किया गया। पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव ने इस संबंध में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यह घटना खेरालू कस्बे में हुई। शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण कर लिया था। सिर्फ गुजरात ही नहीं, हाल ही में बीते साल UP से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां युवक को बांदा में पूजा पाठ के बाद गोदाम में हनुमान चालीसा बजाना महंगा पड़ गया था। करीब 20 मुस्लिम युवक गोदाम में घुस गए और हनुमान चालीसा बजाने का विरोध करते हुए गाली गलौज और तोड़फोड़ कर दी। मामले में पीड़ित की तहरीर पर 3 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी। बता दें कि एक समय पर भारत में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर खूब बवाल दिखा था। क्या नेता और क्या रेज नेता, हर कोई इसमें शामिल था। बीते साल उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी एक डराने वाली खबर सामने आई थी, जहां हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया था।
यह हमला विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों ने किया था, जिसके बाद जमकर मारपीट भी हुई थी। इसके बाद यह मामला थाने पहुंचा और वहां भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद भीड़ ने दो आरोपियों को वहीं दबोच लिया। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद मेयर जोगेंद्र रौतेला भी रात को थाने पहुंच गए थे। दरअसल शीश महल क्षेत्र के निवासी बजरंग दल के कार्यकर्ता रक्षित, देव और मानस काठगोदाम स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे थे। इस बीच शीश महल गेट पर 4 से 5 बाइकों पर सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। हमले की आवाज सुनकर बस्ती के लोग आ गए और उन्होंने 3 आरोपियों को दबोच लिया और 1 आरोपी को दुकान में बंद कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ थाने में जमा हो गई। इस दौरान आरोपियों का एक साथी भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसे लोगों ने मौके पर ही खूब पीटा। इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने काठगोदाम के शीश महल में एक पंचायत भी की, जिसमें हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला समेत तमाम बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौके पर डटी रही, जिससे किसी तरह का विवाद ना हो सके। पंचायत के दौरान बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने विशेष समुदाय के लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी और मारपीट की घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया और पुलिस को चेतावनी दी कि बाकी के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस लौट रहे बजरंग दल के संगठन के लोगों पर 50 से अधिक समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की और मारपीट की। इससे क्षेत्र में भय का माहौल और सभी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने 10 लोगों को किया था गिरफ्तार। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने भारी दबाव में 10 लोगों की गिरफ्तारी करके एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने कहा था कि पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस ने अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी है। पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। बता दें कि इन दिनों भारत में हिंदू संगठनों पर हमला बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। यूपी के अयोध्या में तो स्कूल के 2 छात्रों का धार्मिक मुद्दों पर बात करना महंगा पड़ गया था। स्कूल प्रशासन ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में दोनों छात्रों का नाम स्कूल से काट दिया था। फैज़े आम मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले दोनों छात्रों ने इस बात की शिकायत जब स्कूल प्रबंधन से की तो उन्होंने दोनों छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेशन TC जारी कर दिया, जिस पर लिखा था कि धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में छात्रों का नाम विद्यालय से काटा जा रहा है। घटना बीते साल की है, जो बहुत ही चौंकाने वाली थी। विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद अख्तर सिद्दकी के मुताबिक कक्षा 11 के 2 छात्र अन्य दूसरे छात्रों से धार्मिक मुद्दों पर बात करने लगे। जब उन्हें अध्यापकों ने ऐसा करने से मना किया तो वे नहीं माने और बहस जारी रखा। तब कुछ और छात्रों ने इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से कर दी। स्कूल से नाम काटने वाले छात्र सौरभ यादव के मुताबिक वह क्लास में रहीम दास का दोहा पढ़ रहा था, तभी दूसरे एक मुस्लिम लड़के ने उसे रहीम दास के दोहे पढ़ने के स्थान पर कुरान पढ़ने को कहा। इस पर सौरभ ने कहा था कि वह कुरान के स्थान पर रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ना पसंद करेगा। इस पर छात्र ने सौरभ की शिकायत स्कूल प्रशासन से कर दी। छात्र सौरभ ने स्कूल पर धार्मिक विवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि स्कूल ने बिना बात सुने उसका नाम स्कूल से काट दिया। वहीं दूसरे छात्र माधवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उसका नाम क्यों और कैसे काटा गया इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।